गुड मॉर्निंग टू ऑल द डियर स्टूडेंट. टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 7th. एक्सरसाइज 11.2. बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 1275 अ मैन गेन्स 15%. एक सामान को बेचने पर 1275 रुपए में 15% गेन होता है. व्हाट शुड बी सेलिंग प्राइस फॉर गेन 28%. फाइंड करने के लिए इसका सेलिंग प्राइस फाइंड करना पड़ेगा हमें. इस क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दिया गया है, गेन परसेंट दिया गया है. तो गेन परसेंट दिया है तो हम गेन निकाल सकते हैं. अब हम इसको क्या करेंगे, सीपी नहीं दिया गया है, सीपी को एक्स मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं. सीपी इज एक्स. गेन हो जाएगा 15% है, यानी 15/100. और कितना सीपी का, सीपी हमारा एक्स है, यानी ये कितना हो जाएगा 3/20x हमारा क्या हो जाएगा, गेन. क्योंकि सीपी के अनुसार ही हम गेन परसेंट निकालते हैं, जो भी चीज़ें निकालते हैं हम सीपी से निकालते हैं. तो सीपी तो हमें दिया नहीं गया है तो हमने एक्स माना है. अब आगे देखते हैं, गेन परसेंट निकल गया तो हम यहाँ से क्या कर लेंगे, एक्स सीपी निकाल लेंगे. सीपी क्या होता है, एसपी माइनस गेन, या हम एसपी इक्वल टू क्या कर सकते हैं, सीपी प्लस गेन हो जाएगा. सीपी प्लस गेन हो जाएगा, गेन और सीपी जुड़ जाएगा. एसपी, एसपी हमें दिया ही गया है, एसपी हमारा दिया गया है इतना रुपीज 1275. और ये सीपी कितना है, एक्स मान रखा है हमने. गेन हमें क्या मिला है, 3/20x. अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 1275 ये हो गया 20x प्लस 3x/20. यानी देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ 1275 इंटू कितना हो जाएगा, 20 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 23x. एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1275 × 20/23x. इसकी वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो 111.08.69. ये एक्स यानी सीपी की वैल्यू आ गई. अब गेन परसेंट हमें कह रहा है सेकंड, इसी में सेकंड है. अगर हमें गेन परसेंट 28% हमें निकालना है तो देखिए, गेन परसेंट हम निकालने के लिए क्या करेंगे, 28 गेन निकालने के लिए 28/100 28% हो गया. सीपी अब निकल आया है हमारा 1108.69. अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, गेन हमारा आ जाएगा 310. इसकी वैल्यू आ जाएगी 310.43. अब देखिए हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, एसपी निकाल लेंगे. एसपी होता है सीपी प्लस गेन. तो सीपी हमारा कितना निकल के आया है, ये आया है 1108.69 प्लस गेन कितना आया है, गेन हमारा आया है 310.43. ये आ जाएगा हमारा टोटल 1418.43. यही हमारा आंसर होगा. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3. एक टेबल को बेचा गया 765 रुपए में और लॉस कितना हुआ, 15%. फाइंड लॉस और गेन परसेंट इफ सोल्ड फॉर 1125. अगर 1125 रुपए में बेच दें तो हमें क्या होगा, गेन या लॉस परसेंट कितना. क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एसपी दिया गया है, लॉस परसेंट दिया गया है. सीपी को हम मान लेते हैं एक्स, इसको हम लेट कर लेते हैं एक्स. सीपी हमारा एक्स है. अब हम देखिए इसमें क्या करेंगे, लॉस परसेंट दिया गया तो इससे हम लॉस निकाल सकते हैं. सीपी को एक्स मान लिया तो 15/100 15%, और ये हो एक्स हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा 3/ कट कर देंगे 5 से, ये भी 20x हो जाएगा. अब देखिए ये हमारा हो गया लॉस, लॉस हमारा इतना हो गया. हम यहाँ से एसपी निकाल सकते हैं, सीपी माइनस लॉस.
तो सीपी हमारा कितना है, एक्स है। एसपी हमारा कितना है, 765। सीपी हमारा कितना है, सीपी हमारा है एक्स। लॉस कितना है, 3/20x, ये हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे तो 765 इक्वल टू एलसीएम लेंगे, 20x हो जाएगा माइनस 3x हो जाएगा अपॉन 20 हो जाएगा। 765 इंटू 20 हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 17x। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 765 इंटू 20 अपॉन 17, ये आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 900। क्या आ जाएगी, 900। सी पी 900 हो गया। अब सेकेंड में क्या कह रहा है, अगर हमारा जो सेलिंग प्राइस सेकेंड केस में इसी इक्वेशन में है, अगर हमारा सेलिंग प्राइस 1125 हो जाए तो हमें बताइए कि गेन परसेंट कितना होगा। तो हम यहाँ से गेन निकाल देंगे, गेन हमारा क्या हो जाएगा, एस पी माइनस सी पी। एस पी हमारा कितना है, 1125, और सी पी हमारा अभी अभी जस्ट आया है, सी पी को एक्स माना है तो एक्स की वैल्यू आई थी 900। ये आ जाएगा कितना, जब इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 225। अब गेन निकल गया तो गेन परसेंट निकाल सकते हैं हम यहाँ से, गेन अपान सी पी इंटू 100। तो गेन हमारा कितना आया है, गेन हमें मिल रहा है 225 अपान सी पी कितना है, 900 इंटू 100। ये दो जीरो कैंसिल हो गया, ये आ गया 25%, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बाकी क्वेश्चन आप खुद से करिएगा। दो टेलीविजन सेट बेचे गए, एक 29,700 पर 10% गेन से, और दूसरा, मतलब दो टेलीविजन का दाम नहीं है ये, एक टेलीविजन, पहला टेलीविजन भी इतने में बेचा गया और दूसरा भी, पर सेट लिख रहा है, पर सेट। एक दो दो टेलीविजन बेचा जाता है, एक को बेचने पर 10% गेन होता है, एक को बेचने पर क्या होता है, 10% लॉस होता है। तो टोटल परसेंट गेन और लॉस का बताना पड़ेगा। अब देखिए इसमें पर सेट यानी दोनों सेट का दाम उतना ही है, बेचने वाला दाम सेम है, गेन परसेंट हमें 10% दिया गया है। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी बात इसमें ध्यान देना है, हम लेट कर लेते हैं सीपी कितना है हमारा, एक्स है। और देखिए पहले के लिए गेन है, तो फर्स्ट केस में गेन हमारा इतना है, लॉस भी हमारा कितना है, 10% है। पहले टीवी बेचने पर, टेलीविजन सेट बेचने पर 10% गेन होता है, दूसरे पे 10% लॉस होता है। तो फर्स्ट टीवी के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट टेलीविजन सेट के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका क्या निकाल देंगे, गेन निकाल देंगे। गेन परसेंट दिया है तो हम क्या करेंगे, गेन हो जाएगा हमारा 10/100 यानी 10% इंटू एक्स माना है यानी 1/10x हो जाएगा, ये हमारा गेन हो जाएगा। जब हमारा गेन निकल गया तो हमें यहाँ एस पी पता ही है, हम क्या करेंगे, एस पी इक्वल टू होता है गेन प्लस सी पी। तो एस पी तो हमें पता ही है 29,700। गेन कितना दिया गया है, 1/10 या x/10 लिख सकते हैं इसको। सी पी कितना है, सी पी को हमने x माना है। अब देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, 29,700 और ये हो जाएगा, एल सी एम ले लेंगे, ये हो जाएगा x+10x यानी 2,9,297,000। 10 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो जाएगा 11x। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2,9,700,000 अपान 11। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27,000 आ जाएगा, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। यानी फर्स्ट के लिए हमारा सी पी आ गया, सी पी फर्स्ट फर्स्ट टेलीविजन के लिए निकला। अब सी पी हम क्या निकालेंगे, सेकेंड टेलीविजन के लिए। अब सेकेंड टेलीविजन के लिए हम यहाँ देखते हैं,
सीपी तो एसपी सेम ही है, 229,700, 20 है, 1020, 29,000, और सीपी को हम एक्स मानेंगे ही। और फिर क्या करेंगे हम, यहाँ आगे देखेंगे, हमें लॉस परसेंट दिया गया था, लॉस परसेंट कितना था, 10%, तो लॉस कितना हो जाएगा, 10/100 × x, यानी ये हो जाएगा x/10, लॉस भी हो रहा है। अब देखिए हम यहाँ क्या करेंगे, यस पी वाला फॉर्मूला फिर से लगा देंगे, गेन प्लस सीपी, गेन, यहाँ गेन तो हो नहीं रहा है, लॉस, और ये किसमें, सीपी माइनस लॉस हो जाएगा। तो एस पी हमें पता है 29,700, सी पी हमने एक्स ही माना है, लॉस हमारा कितना हो रहा है, x/10 हो रहा है, यानी देखिए अब क्या करेंगे इसको हम यहाँ सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 29,700 इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो 10 हो जाएगा, 10x-x, यानी ये क्या हो जाएगा, 29,700 हो गया, 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 9x, x की वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेंगे, 29,700/9 इक्वल्स टू हो जाएगा ये 33,000, 33,000 हो जाएगा। देखिए ये सीपी सेकेंड के लिए है, टेलीविजन सेकेंड के लिए, टेलीविजन फर्स्ट के लिए सीपी निकल गया, दोनों टीवी के लिए सीपी, देखिए CP1 + CP2, टोटल सीपी जो टोटल वाला होगा, तो पहले का है 27,000, दूसरे के लिए क्या है, 33,000, ये हो गया, दोनों को ऐड कर दिया तो ये आ गया 60,000, ये हो जाएगा सीपी टोटल के लिए। और एसपी टोटल के लिए देखिए क्या हो जाएगा, 29,700 फर्स्ट के लिए और 29,700 टोटल लगा होगा, इसमें कितना आ जाएगा, 59,400, ये आ रहा है दोनों को ऐड करने का। अब देखिए एस पी कम है, सी पी ज़्यादा है, यानी लॉस हो रहा है, तो लॉस क्या हो जाएगा, यस सी पी, सी पी माइनस एस पी, तो सी पी कितना है हमारा, 60,000 माइनस एस पी कितना है, 59,400, यानी ये बचा 600 लॉस, जब 600 का हो गया तो लॉस परसेंट निकाल देंगे, लॉस अपान सी पी इंटू 100 से निकालते हैं, लॉस कितना है, 600 अपान सी पी कितना है, 60,000, टोटल वाला 1,000 60,000 है अपान इंटू 100, ये 2 0 कट गए, 2 0 इधर से कट गए, 6 1 6, यानी 1% का लॉस हो रहा है, यही हमारा आंसर है। इसके लिए मैं और एक वीडियो मुझे और बनाना पड़ेगा, इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होता है, थैंक यू सो मच।